अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ्स की एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक टॉपिक स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सबने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सॉल्व करना तो आता है लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक और ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे इसको लेके चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसकी सबसे पहले आप देख लेंगे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है उसका जिसका मतलब होता है स्क्वायर, और वो लैटिन वर्ड है क्वाड्रेंटम। यानी क्वाड्रेंटम एक लैटिन वर्ड से आपका वर्ड निकला है, उसका मतलब होता है स्क्वायर। यानी आपके पास कोई भी वेरिएबल है अगर वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है, उसका ये एक्स इज़ लेंथ और दिस इज़ एक्स इज़ हाइट। तो जब आप एरिया निकालते हैं तो एरिया वुड बी एक्स लेंथ इन टू हाइट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज़ योर वेरी स्क्वायर फॉर्म। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाती है जिसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर में आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये पूरी एक पॉलीनोमियल है, आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें ए बी सी आर कॉन्स्टेंट और एक्स इसमें वेरिएबल है जिसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट आंसर्स निकालते हो। तो एक्स स्क्वायर इसकी जो हाइस्ट डिग्री है दैट इज़ एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन की डिग्री ऑफ पावर इज़ टू, सो इट मीन्स इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन की ये साइन होता है कि जिसमें आपके पास जो पावर है डिग्री है वो टू आ जाए तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ये आपके पास जनरल इसकी एक अंडरस्टैंड करने के लिए एक मेथड है कि क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या आएगा, इसकी मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमियल जो होता है अगर वो स्क्वायर होगा तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक का मतलब समझ आ गया होगा, क्वाड्रेंटम लैटिन वर्ड से निकला है और उसका मतलब स्क्वायर के हैं। अब चलते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर पावर में है तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप एक वक्त में दो वेरिएबल्स को इकट्ठा सॉल्व कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ईजी एग्जाम्पल जो इसके प्रोजेक्टाइल मोशन, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कि आपका एट द सेम टाइम एक्स एंड वाई एक्सेस दोनों कवर अप हो रहे होते हैं जब ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा होता है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल रॉकेट मोशन, एरोप्लेन का मोशन, या बॉल थ्रो करते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करता है। ठीक हो गया? अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है कि ये जो बॉल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके गया है तो इस पूरी जर्नी में उसका एक्स कंपोनेंट भी आ रहा है एंड वाई कंपोनेंट भी आ रहा है, चाहे वो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट है, उन सारों के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं। तो एट अ सेम टाइम एक ही चीज़ में आप एक्स कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर रहे हो और वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशंस में। तो ये आपके पास है सिंपल एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी इसको आप क्वाड्रेटिक के ज़रिए सॉल्व करते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी एक ही वक्त में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसकी पावर स्क्वायर है। क्लियर हो गया? तो आप आई होप आपको क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। एक इसकी न्यूटन जो इक्वेशन है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दिस इज़ आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर आ गई है। तो जो फिज़िक्स में केमिस्ट्री में मैथ्स में आपको बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर में आ जाए, तो दैट इक्वेशन वुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक वक्त में दो वेरिएबल्स के आंसर कैलकुलेट करके देती है। तो ये आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस पर आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहला हमारे पास एक मेथड आ जाता है फैक्टराइजिंग, बाय फैक्टराइजिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड आ जाता है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस आ गई, बाय फैक्टराइजिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके वेरिएबल्स के आंसर निकालने के लिए ये तीन मेथड है। तो तीनों को अब हम एक एक करके देखते हैं
कि किस तरह उसको हमने लेके चलना है। तो नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको फैक्टराइजिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताया जाएगा। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, कोई सजेशन या क्वेरी है आपकी तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।